पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नागरिकता संशोधन कानून और NRC पर तो राजनीति कर ही रही हैं, लेकिन अब उन्होंने किसी की मौत पर भी राजनीति करना शुरू कर दिया है। फिल्म अभिनेता और TMC नेता तापस पॉल की मौत पर भी उन्होंने राजनीति की रोटी सेकनी शुरू कर दी है। ममता की गंदी राजनीति को जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सत्ता खो देने के डर से TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गंदी राजनीति शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अब किसी की मौत पर भी राजनीति करने लगी है। उन्होंने अभिनेता से नेता बने तापस पॉल की मौत के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने पॉल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, तृणमूल कांग्रेस के एक और नेता सुल्तान अहमद की मौत भी दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। वह सन 2017 नरादा टेप घोटाला मामले में आरोपी बताए जाने के बाद से तनाव में थे। तापस पॉल पर केंद्रीय एजेंसियों का गहरा दबाव था और वह केंद्र की प्रतिशोध की राजनीति के शिकार हुए। लोगों को जेल हो रही है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां ये साबित नहीं कर पा रही हैं कि उन लोगों ने क्या अपराध किया है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे कार्रवाई का सामना करना चाहिए, लेकिन हम अभी भी नहीं जानते हैं कि तापस पॉल और अन्य लोगों ने क्या अपराध किया था। बता दें कि तापस पॉल के ऊपर रोज वैली चिटफंड में शामिल होने का मामला चल रहा था। CBI ने सन 2016 में रोज वैली चिटफंड मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था और करीब 13 महीने बाद उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद से ही उन्होंने फिल्मों और सक्रिय राजनीति दोनों से दूरी बना ली थी, लेकिन मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया और फिर ममता बनर्जी को राजनीति करने का एक और मौका मिल गया। नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ लोगों के बीच भ्रम फैलाने वाली ममता बनर्जी अब किसी की मौत पर भी राजनीति कर रही हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं, उससे तो यही लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। किसी भी घोटाले में आरोपी बनने वाले व्यक्ति की मौत होने पर इस तरह से किसी सरकार को जिम्मेदार ठहराने को राजनीति का घटिया रूप कहा जा सकता है। दरअसल भाजपा विरोध में ममता बनर्जी इतनी अंधी हो गई है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है कि किसी भी मामले में बस मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करके वह चुनाव जीत जाएंगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा के उभार से उनकी रातों की नींद उड़ गई है और इस बौखलाहट में वह अनाप शनाप बोलने लगी हैं। अगर यही स्थिति रही तो ममता को लोग गंभीरता से लेना छोड़ देंगे। मुद्दे से भटककर चुनाव जीतने की कोशिश करने वाली ममता बनर्जी की कुर्सी हिलने लगी है। वह हताश हो गई हैं और यही कारण है कि अब उन्होंने मौत की गंदी राजनीति शुरू कर दी है, जिसका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।